कान के रोग, कर्णशूल, कान के दर्द, रोग परिचय, कारण एवं लक्षण। आइए हम जानते हैं, यह कान में रह कर उठने वाला दर्द जो कि कान के अंदर के कारण और कभी कभी कान आसपास के अंगों में कई रोगों के कारण भी हो सकता है। कान में दर्द होने पर विचित्र प्रकार की बेचैनियाँ होती हैं, असामान्य सहनशील दर्द होती है। मुख्य रूप से यह दर्द सहा न जाता है, पीड़ा माना जाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर समय सहने लायक पीड़ा हो, कुछ अन्य कारण भी हो सकता है। इसलिए चिकित्सक से पूर्व मूल कारण ज्ञात करके ही उपचार करना चाहिए, चिकित्सक अनुसार ही जांच करनी चाहिए। कारण यह भी हो सकता है कि कान के अंदर फुंसी, मधवा बहता हो, पक गया हो, बाहरी कर्णशोथ हो, कान में मैला जम गया हो, कान में बाहरी वस्तु रह गया हो, कान को कभी किसी वस्तु से खरोचने से चोट लग गया हो, कान के पर्दे पर खून जमा हो, कान में मैला जम गया हो, कान के अंदर अचानक शीतल वायु का प्रवेश हो जाने से भी यह होती रहती है। लक्षण यह है कि कान में दर्द कभी कम होता है और कभी तेज, यह क्रम लगातार चलते रहता है। संक्रमण के साथ साथ यदि कर्णशूल हो तो ज्वार भी हो सकता है, शरीर में जकड़न भी हो सकता है। कर्णशूल के साथ साथ सिर दर्द भी हो सकता है जो कर्णशूल के अनुपात में ही काम होने पर कम और अधिक होने पर अधिक होता है। आदि कर्णशूल स्नायु हो तो सिर दर्द के साथ साथ चेहरे पर जबड़न में तेज दर्द होता है। बाहरी छोटे मोटे कीड़े के प्रवेश करने से भी यह कान में दर्द बहुत अधिक हो जाता है, जो कि कीट निकलने देने से आराम हो जाता है। गर्म दूध में घी मिलाकर प्रतिदिन 2 से 3 बार पीने से कान का दर्द दूर हो जाता है। जैतून का तेल या रस कान में डालने से कर्णशूल पीवा तथा कर्णशोथ में लाभ होता है। और तुलसी के पत्ते का ताज़ा रस गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द दूर होता है। और सबके घर में पाए जाते हैं रसोई में, प्याज को कुचल कर निकाला हुआ रस गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द दूर होता है। और एक धतूरे का रस की कुछ बूंदें गर्म करके कान में डालने से कर्णशूल में लाभ होता है। और आम के पत्ता के रस को हल्का आँचों में कुनकुना करके, यानी कि थोड़ा गर्म करके, ठंडा होने के बाद कान में डालने से कर्णशूल लाभ होते हैं। यह आयुर्वेदिक उपचार है और यह घरेलू उपचार है, यह अवश्य ही कानों में दर्दों में लाभ मिलता है। यदि कान में कीड़े पड़ जाए, यानी कीड़ा हो जाए, कीड़े के कारण से यदि कान में दर्द हो, उसके कुछ उपाय इस तरह हैं। तारपीन का तेल 2 से 3 बूंद कान में डालने से कान के कीड़े बाहर आ जाते हैं और आराम मिलता है।